नमस्कार दोस्तों, आपका नेस्टेक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो है एक वन लाइट फोर स्विच वायरिंग कनेक्शन डायग्राम, यानी कि हम एक बल्ब को चार जगह से कैसे जला सकते हैं अलग अलग स्विच से। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक आसान सा तरीका है, मैं इसके लिए आपको एक डायग्राम बना के बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इसके जो यूज होंगे, इसको स्विच टू वे स्विच यूज करने पड़ेंगे आपको, और ये चार स्विच लगेंगे। आप चार लगा सकते हैं, जैसे आपकी ये ज़्यादातर जो वायरिंग है ये गडाउन में यूज होती है। और ये दोस्तों, मैं अब आपको बना के इसका कनेक्शन बताऊंगा। ये टू वे स्विच हैं, टू वे स्विच के तीन पॉइंट होते हैं, और ये मैं अब आपको इसको कनेक्ट करके बताऊँगा। ये हमारी टू वायर ले लो आप, ये लाइन और ये न्यूट्रल। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वायर को ऐसे इससे आपस में जोड़ लेना है, और फिर इस वाली को इससे जोड़ देना है, इसको इसके साथ जोड़ देना है। तो दोस्तों, अब हमको इसका मिडिल पॉइंट लेना है नंबर टू वाले स्विच का, और नंबर थ्री वाले स्विच के मिडिल पॉइंट के साथ हमें कनेक्ट करना है इसको। तो अब हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं इसको, इसके साथ कनेक्ट कर देना है। दोस्तों, अब हमारे पास ये जो दो लैंप की वायरें निकलेंगी, एक तो आ गई यहाँ से, ये हमें यहाँ से लाना है इसको, और स्विच के लास्ट वाले स्विच के साथ इसको मिडिल के पॉइंट के साथ जोड़ देना है। तो ये हमारे स्विच स्टेयर के हिसाब से भी हो सकते हैं, जहाँ रूम के आगे पीछे भी हो सकते हैं, ये कहीं भी स्विच हो सकते हैं। आपको सिर्फ कनेक्शन इस प्रकार करने हैं ताकि आपका इस स्विच से भी बल्ब चल जाए, ऑन ऑफ हो जाए, इस स्विच से भी ऑन ऑफ हो जाए, और नंबर थ्री वाले स्विच से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, नंबर फोर वाले स्विच से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों, इसको कनेक्शन को इस प्रकार आप, बड़ा ईजी कनेक्शन है इसके, ज़्यादा कोई इतने लेंथी नहीं है, सिंपल से कनेक्शन है इसको। आप इसको करके अपने बल्ब को चार जगह से इसको चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो लाइन है, ये बल्ब का दूसरा पॉइंट है, इसको हमें सीधा आके न्यूट्रल वाली वायर के साथ जोड़ देना है, और बल्ब की दूसरी जो वायर है ये स्विच के, ये फोर्थ वाले स्विच के मिडिल वाले पॉइंट में इसको कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों, अब हमारे पास बची लाइन। लाइन वाला स्विच है जो, ये वाला हमारा फर्स्ट स्विच का मिडिल पॉइंट है, ये हमारा खाली है, इसको अब हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैं इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ वायर को, ताकि आपको पता चल सके, कंफ्यूजन ना हो। ये मोटे वाली वायर जो जा रही है, ये लाइन वाली। तो दोस्तों, ये जो लाइन वायर है, इसको हम गर्म तार भी बोलते हैं, और लाइन भी बोलते हैं, और इसको हम फेस भी कहते हैं, और किसी भी हमें घर के लाइट को चलाने के लिए न्यूट्रल और लाइन चाहिए ही होता है। और ये मैंने दोनों वायरें आपको इसके साथ कनेक्ट करके बिल्कुल इजी वे में आपको बता दिया है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप मेरे साथ नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो के सब्सक्राइब करने के बाद उसके बेल बटन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो का, नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में।